हेलो गाइस, वेलकम बैक। क्या हाल चाल, आई होप अच्छे होंगे। तो फिलहाल भाई, सुबह वाले एपिसोड में हम लोगों ने अमेजिंग प्लान्स बनाए एंड हम लोगों ने एल्बर्ट को पकड़ने की कोशिश भी करी, बट फाइनली थोड़ा सा एक प्लान में फॉल्ट हो गया। मतलब कि दिक्कत आ गई कहीं पे, मजा नहीं आ पाया 100% जैसे सोचा था, ऐसा नहीं हुआ। आप लोगों ने सुबह वाले एपिसोड चेकआउट नहीं किया, चेकआउट कर लीजिए। चैनल नंबर 1 पर है, सेम सीरियल नंबर है, चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अमेजिंग एपिसोड था, उसको चेकआउट कर लीजिए, उसके बाद ही कंटिन्यू होने वाला है। तो फिलहाल भाई, अभी बहुत दिक्कत हुई। जैसे कि मैंने आपको बोला लास्ट एपिसोड में, मेरा प्लान तो फुल प्रूफ था। फ्रैंक आपको बताइए, लास्ट एपिसोड से मैं धोखा दे रहा था, बहुत काम उसने किया, वो सब मेरा ही प्लान था। मैंने जानबूझ के फ्रैंकलिन, मतलब कि माइकल को किडनैप करवाया, ये किया वो किया, ताकि मैं उनकी नजर में अच्छा बन सकूं, फ्रैंक गद्दार बन सकूं कुछ टाइम के लिए। ऊपर से फ्रैंक की मैंने फिर से दोस्ती करवाई, एल्बर्ट को आया वगैरह वगैरह, काम हुए, बहुत काम हुए। बट फाइनली आकर के पता लगता है एमी किडनैप हो चुकी है। ये बंदा एमी को ढूंढता है, पता नहीं क्यों एमी ने मेरे को नहीं बताया, वो नहीं जानती। और ऊपर से वो नमूना मैनेजर निकलता है, ना कि एल्बर्ट, बहुत बुरा हुआ। और ऊपर से प्लान बी फेल हो गया, ट्रेवर के भाई को उठाने का। अब जैसा भी है, जो भी है, वो मैं देख लूंगा। फिलहाल रही बात ट्रेवर के भाई को अपने टीम में करना, वो मैं कर लूंगा, मेरे पे बहुत तरीके हैं। उसको मारना बिल्कुल नहीं है, मैंने आपको फिर से बोला, वो बंदा मेरा दोस्त मतलब कि भाई सच में हो सकता है। और आपको बताया, दो भाइयों को पहले ही मार चुका हूं और बहुत नुकसान उठा चुका हूं। और एक बार नुकसान उठाना बहुत गलत होता है, मतलब कि एक बार ही उठा लेते, बार बार नहीं उठाएंगे भाई। क्योंकि आज तक ट्रेवर को बहुत दुख है कि ट्रेवर के हाथों से इसके दोनों भाई मारे गए। अपना प्यारा ट्रेवर भाई आ चुका है, आपको बताइए फिलहाल ये कहाँ से आ रहा है। अगर आपने लास्ट एपिसोड देखा होगा, फिलहाल यहाँ पर बहुत सारे लोस्ट वाले नमूने थे जिनको मैंने सीधा किया। मेरे को लगा था इनके पास एमी होगी, बट यहाँ पर नहीं मिली। पता नहीं एमी को कहाँ पर पहुँचा देगा है। अब मेरा एक काम और बढ़ गया, अब उसको ढूंढना पड़ेगा मेरे को। आखिर उसको किडनैप क्यों किया, क्या वजह है, वो हम पता कर लेंगे जल्दी ही। अभी बाला वालों के पास निकलता हूँ, मतलब कि कुछ गैंग वाले बंदे, बाला वाले नहीं बोलूंगा, वो बंदे ऐसे हैं कि वो खबर देंगे मेरे को किस चीज़ की। पैसा खिलाऊंगा, देखो ज़्यादा पैसा मेरे पास आज की डेट में नहीं है, बट कुछ तो है। अभी आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ, आपको बताया लास्ट एपिसोड में मेरा सोना चोरी हुआ था, बहुत सारा गोल्ड वगैरह वो फ्रैंक लेके गया था, वो मैंने ही उसको पूछवाया था एक जगह पर, उससे मैंने बहुत सारे काम करवाए हैं। आपको बताया बिना पैसे के भाई कुछ नहीं होता, प्लान भी फ्री में नहीं बनते। सेटअप बनाने के लिए, चीज़ें बनाने के लिए, बंदों की बॉडी बनाने के लिए पैसा लगता है बहुत ज़्यादा। कुछ जगह वहाँ पर खर्च हुआ और कुछ और मैंने चीज़ उससे मंगवाई है, टैंक्स वगैरह, गाड़ी वगैरह, वेपन्स वगैरह, गोलियाँ इनकी, तो उसमें सोना देखो जाएगा। इसलिए मैंने उसको पूछवाया और चोरी का उसका नाम दिया, ताकि इन बंदों को और यकीन हो जाए कि फ्रैंक अब ट्रेवर को मारना चाहता है। सब ड्रामा मैंने इसलिए किया ताकि मैं अपने किंग काला वाले बंदों के नज़रों में अच्छा बन सकूं एंड प्राउड माफिया की। और जो बन भी गया, किसी को नहीं पता एल्बर्ट को मैंने पकड़ के रखा है, मतलब एल्बर्ट के मैनेजर को। पहुंच चुका हूं मैं जगह पर, चलिए ट्रेवर जी निकलिए जगह पर, चलो 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 चलो। ओके फिलहाल पहुंच चुका हूं, यही वो बंदे, बातें करनी है बस, ज़्यादा कुछ बातें ऐसी हैं नहीं। पैसा खिला के अपना काम निकालना है। ट्रेवर भाई अंदर निकलो। हेलो बॉयज, ज़रा बात सुनो। वैसी कोर्ट पर देख सकते हो बहुत खून लगा हुआ है, गुस्सा दिलाओगे तो फिर अगला नंबर तुम्हारा है। बंदे मुझे बोल रहे, ट्रेवर सर एल्बर्ट जी के बारे में आपने हमें बात करने के लिए बोला था, एल्बर्ट जी का तो पता लगा नहीं है, बट शहर में डिसिप्लिन के कुछ बंदे देखे गए फिर से, गैंगस्टर डिसिप्लिन के बंदे शहर में। अरे नहीं यार, बट हो भी सकते हैं। आपको बताया मैंने माफिया को नहीं मारा था, मैंने सिर्फ किंग डेविड को मारा था, एंड मैंने सोचा था कि उसकी आर्मी को मैं अपनी आर्मी बना लूँगा और मैं राज करूँगा, बट सब उल्टा हुआ, मेरे को माफिया मिली नहीं कभी भी। लगता है आ तो निकल लो संडस दोबारा वापस। चलिए अगर ऐसा है तो उनको अब की बार कब्जाऊंगा और फिर से उनका बॉस बनूंगा। देखना है मेरे को किसी भी तरीके से कि आखिर कैसे मैं फिलहाल सारा का सारा काम कर सकता हूँ। ड्राइवर ब्रो जल्दी से निकल, अगर सच्ची में मतलब गैंगस्टर डिसिप्लिन वाले हैं तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि उनकी पावर बहुत ज़्यादा है। किंग डेविड की माफिया बिना किंग डेविड के काम नहीं करती, ऐसा डेविड ने मरने से पहले बोला था कि शरीर बिना आत्मा के बेकार है। तो फिर क्या डेविड भी वापस आ गया है? नहीं यार, उसके मैंने खुद मारा था बहुत सारी गोलियों के साथ। नहीं वो तो नहीं होगा, अब जो पता कर लेंगे। फिलहाल FI बिल्डिंग में निकलता हूँ, उनको बोलता हूँ सारी बातें पता करो। पहुँच चुका हूँ FI बिल्डिंग पर, फटाफट चलिए फटाफट से जल्दी से जाकर के बंदों से बातें कर लेता हूँ, इनको सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। क्योंकि अगर इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो फिर डिटेल्स पता नहीं लग पाएगी, क्योंकि देखो FI वाले बंदे बहुत इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं, कॉन्टैक्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं यहाँ वहाँ से पुलिस वाले को, आपको पता है बहुत जल्दी कॉन्टैक्ट्स होते हैं, खबरी होते हैं बहुत सारे, काम निकाल लेते हैं अच्छे तरीके से। हेलो जी FI वाले भाई, जरा एक बात सुन। मैंने उसके बातें बोल दिया, बंदा बोल रहा है ठीक है ड्राइवर सर, हम पता करते हैं कि गैंगस्टर ऑफ डिसिप्लिन दोबारा शहर में है नहीं है, वैसे वो तो भाग गई थी एंड डेविड जी मर गए थे। मैंने बोला भाई मेरे को भी यही पता है, अब तू और कुछ पता कर कि ये नमूना वापस तो नहीं आ गया मुँह उठा करके, क्योंकि मर गया था। बट ट्रेवर के चाचाओं ने बोला था मर नहीं सकता इतनी आसानी से, अब क्या बोले क्या ना बोले, बड़ी दुविधा है भाई। वो कहते हैं ना बड़ी कन्फ्यूजन है, एक दुश्मन मरता नहीं दूसरा आ जाता है। लेस्टर के पास निकलता हूँ, लेस्टर का फोन आया मेरे पास में, बेचारा हमारा प्यार लेस्टर भैया, आपको बताइए मेरे को जान से मारना चाह रहा था, इस वजह से क्योंकि मैंने उसकी शादी नहीं कराई, क्योंकि उसको एक जादुई बोल, आपको पता है हमें एक बोल मिली है भाई बहुत ही अमेजिंग, बट मैं उसको खत्म करूंगा, आपको पता है वो मेरे को नुकसान दे सकती है, वो मैंने सुबह वाले एपिसोड में देख ही लिया था, इसलिए ऐसी चीज़ों से दूर रहेंगे तो फायदा रहेगा, नहीं तो हमें नुकसान होगा फ्यूचर में बहुत ज़्यादा, इतना मेरे को पक्का पता है।
निकलता हूँ लेस्टर, अभी फैक्ट्री में ही है, बात करता हूँ। लेस्टर भैया की फैक्ट्री पहुंच चुका हूँ। बड़ा ही मेहनती बंदा है, रात रात भर फैक्ट्री पर बैठ रहता है, काम करता रहता है, सिलाई के वगैरह वगैरह सिलाई करता रहता है बेचारा। अगर सच्ची में ऐसे ही होता तो कितना अच्छा होता, बट ये बंदा दिखाने के लिए तो दर्जी है यहाँ पे, बट ये अलग ही लेवल का बंदा है। बताओ सच्ची में ट्रेवल मतलब कि अपना लेस्टर दर्जी है, आप देख रहे हो। हेलो भाई मेरे लेस्टर, बता तेरा ट्रेवर एक ही सूट में घूमता रहता है। अबे बेशरम, यहाँ पे आंटी सूट सिलवाता रहता है लड़कियों के। अबे हमारे भी कुछ सिलवा दे, आंटी पे आता है सूट सिलना लड़कों वाला, क्योंकि देखो भाई ज़रूरी नहीं होता जो आदमी मतलब कि लेडीज सूट सिलता है, जो बंदा है औरत जो भी कोई है, तो ज़रूरी नहीं कि भाई उसको लड़कों वाले सूट सिलने भी आते हैं। बहुत डिफरेंट होता है इन चीज़ों में, हर कोई हर टाइप की मतलब कि सिलाई नहीं कर सकता, तो पूछ लेता उससे। हाँ भाई तेरी आंटियाँ मैं सूट सिल लेगी, बता मेरे को। लेस्टर मुझे बोलता है कि ट्रेवर मेरी आंटियाँ बहुत कमाल की है, तेरे को भी सील देगी, ज़्यादा उनके टैलेंट पे वो मत कर। मैंने बोला मेरे प्यारे भाई चल तो काम की बात कर, फालतू बात मत कर, नहीं तो फिर भाई ये भावनाओं में बह जाएगा और दिल पे ले लेगा, बोलेगा मेरी आंटी की बेइज्जती, सैलरी देता नहीं है और बेइज्जती हो गई। अच्छा बोल फटाफट से, ये क्या ड्रामा सुनाई दे रहा है मेरे को, गैंगस्टर ऑफ डिसिप्लिन। मुझे बोलता है कि मेरे को भी सुनाई दी और मैंने चेक भी किया, कुछ बंदे ही पहुँच चुके हैं शहर में। कमाल है यार, एक आइलैंड के बारे में इसने मेरे को इन्फॉर्मेशन दिया और बोल रहा है कि वहाँ पे जा करके चेक कर, कुछ गैंगस्टर ऑफ डिसिप्लिन के बंदे आए हैं। यार ये बहुत गलत टाइमिंग है, देखो आज आते हैं मेरे को डर नहीं है किसी का, क्या आ रहे हैं तो आने, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको फिर से बोलूँगा, जब हमारी सीरीज एंड हुई थी किंग ऑफ डेविड की, हमने सिर्फ डेविड को मारा था ना कि उसकी आर्मी को, क्योंकि उसकी आर्मी भाग गई थी और मेरे को मिली नहीं थी, कई महीने हो गए उस बात को। तो पॉइंट कहने की आवाज़ है, अब आए हैं वो यार, बाद में आ जाते जब मैं प्राउड माफिया को मार लेता और इस किंग काला को, तब आ जाते, कोई दिक्कत नहीं थी। अब एक साथ सारे बंदे आ जाएंगे तो बहुत टेंशन बढ़ सकती है। पहुंच चुका हूँ, राम प्रकाश गुप्ता ही अपना कमाल दिखाएंगे यहाँ पर स्टार्टिंग में, ताकि बंदों को थोड़ा सबक मिल सके। अब आएगी हमारी एलियन गन पीएचआरई। अरे यार एलियन गन खत्म हो गई यार, गलत हुआ भाई, बहुत गलत हुआ, क्योंकि एलियन गन ऐसी गन है जो जल्दी से बंदों को शांत करने में काम आती है। अब पता नहीं कितने बंदे होंगे साइलेंट पर, कितने नहीं होंगे, इसलिए टाइम लग सकता है। बेटे सो सॉरी ब्रो, तो सॉरी यार, देख तू अब क्या करे, दुश्मन पार्टी का बंदा तो मारना पड़ेगा, क्योंकि मैं वैसे नहीं मारना चाहता कि दिल से मार रहा है ड्राइवर, बट मजबूरी है भाई, तुम्हें नहीं मारता फैमिली को, पर तुम अटैक करोगे एंड मेरी दिक्कत बढ़ेगी और मैं नहीं चाहता मेरी टेंशन बढ़ जाए। फिलहाल मैंने सही बंदे को जान से मार दिया है बहुत ही अच्छे तरीके से, जितने मैं देख रहे थे मैंने आइलैंड पे जितने बंदे देखे, यानी कि फ़ोन का डेटा चेक करता हूँ आपको बताया, जितने मेंबर्स होते हैं डेविड के, वो तो सब मतलब बंदों के फ़ोन में उनकी एप्लीकेशन होती है, उससे ही वेरीफाई हो जाएंगे ये बंदे। किंग काला देती है सिर्फ मेन मेंबर्स को एप्लीकेशन, मतलब किंग काला बोल रहा हूँ ये प्राउड माफिया, एंड डेविड की गैंग जो माफिया है अपनी, वो देती है हर एक मेंबर को फोन में एप्लीकेशन, चाहे वो छोटा मोटा काम कर रहा हो बंदा ही क्यों ना हो। फोन चेक करता हूँ, बंदे से पूछने की जरूरत भी नहीं है। मैंने यहाँ पर दो बंदों के फोन निकाले, एक के नहीं दो के, दोनों के फोन चेक किए, दोनों में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है वही सेम एप्लीकेशन जो मैंने पहले देखी थी। इसका मतलब सच्ची में गैंगस्टर डिसिप्लिन के बंदे ही है, क्योंकि वो ऐसे हर किसी अरे गहरे बंदे को एप्लीकेशन नहीं मिलती और उसमें ऐसे कोई लॉग इन नहीं कर सकता। अमेजिंग भाई, कोई इंस्ट्रक्शन तो नहीं थी उसमें कि भाई ये काम करो वगैरह वगैरह, बस एप्लीकेशन इंस्टॉल थी फ़ोन में। मैंने दोनों फ़ोन चेक करे और भाई एक फ़ोन में चलो गड़बड़ हो सकती है, और दोनों में तो नहीं हो सकती ना। कमाल हो गया, कमाल हो गया, बहुत बुरा हो गया यार, ये दिक्कत सच्ची में बुरी हो गई। इसका मतलब अब कन्फर्म हो चुका है फाइनली गैंगस्टर ऑफ डिसिप्लिन शहर में वापस आ चुके हैं, मतलब कि गोड वाली माफिया, शॉर्ट फॉर्म गोड ही बनेगी उसके गैंगस्टर ऑफ डिसिप्लिन की। निकलता हूँ एक जगह पर और मेरे को निकलना है, फटाफट से पहुँचता हूँ, कुछ मेरे ऑफिसर्स मेरे पास आए हैं, बोल रहे हैं ड्राइवर जी जल्दी आ जाइए। मैंने बोला आ रहा हूँ जी, क्या हो गया? बोल रहे ड्राइवर सर आ जाइए तभी बताएंगे। यार तो होती है बंदे कभी कभी सच्ची में ऐसी ऐसी बातें करते, फ़ोन में नहीं बताते मेरे को और वहाँ पे जाके वो टाइम वेस्ट करते हैं मेरा। ड्राइवर ब्रो यहाँ पे एक स्टंट मारने की जगह है जो बिल्कुल फर्जी स्टंट लगता है मेरे को एकदम, ये रहा कद्दू का स्टंट है ये, मतलब यहाँ से कोई स्टंट होता है यार, ऊपर से गाड़ी नीचे तो गिरेगी, इसमें स्टंट कहाँ से आ गया? ये जीते के सस्ते नशे और लो स्टंट फेल। अरे भाई जब स्टंट है ही नहीं तो फेल कैसे होगा यार, ऊपर से ब्रिज टूटा हुआ है, हमने गाड़ी नीचे गिरा दी। अरे भाई कभी कभी अलग काम करते जीते की चीजें। पहुंच चुके हो जगह पर हमारे प्यारे प्यारे बंदों के पास में, ऑफिसर ने लगता है किसी को पकड़ लिया रात के टाइम, इसलिए मेरे को बुला रहे हैं, क्योंकि आपको पता है जब भी कुछ काम करते हैं किसी को पकड़ लेते हैं कुछ भी करते हैं तो सब मेरी याद आती है इनको। हेलो जी, अरे यार साइड हटो थोड़ा, मतलब पीछे से बंदा आ रहा है तुम्हें दिखता नहीं है क्या भाई? हेलो जी, अरे अरे कौन है भैया, कैसे परेशान हो, टॉर्चर किया जा रहा है आपको, बड़े बुरे हैं पुलिस वाले, दिल नहीं है इनके अंदर, गलत काम करते हैं हमेशा, उल्टे काम करवा लो इनसे। अब बोल फटाफट से नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। बंदा बोलता है ड्राइवर इतना पक्का बता गैंगस्टर वाले आ रहे हैं। भाई देख मैं उनके साथ काम पहले किया करता था, अब नहीं करता, मैंने छोड़ दिया जब से डेविड जी मरे हैं। अमेजिंग भाई अमेजिंग, बोल रहा है कि मैं उनके लिए काम नहीं करता, हाँ बट मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, बंदे आ रहे हैं सावधान रहना। मैंने बोला ठीक है यहीं रहा, इसको बांध के रखो।
मेरे प्यारे भाई इसको छोड़ना मत, ये उनके साथ काम करता था बट इसने अभी छोड़ दिया गैंग डेविड के मरने के बाद। तो चलिए फिलहाल तो सही बोला था डेविड ने, जब मैं मरूंगा तो मेरी गैंग भी खत्म हो जाएगी। बंदे ने काम ही छोड़ दिया उसके मरते ही। अमेजिंग, गाड़ी लेता और निकलता हूँ। आर्मी ने भी कुछ बंदों को पकड़ा है भाई, आर्मी का भी फोन आया मेरे पास में। आर्मी वाले बंदे बोल रहे हैं ट्रेवर भाई जल्दी आ जाइए, हमने कुछ गैंगस्टर डिसिप्लिन के बंदे पकड़े हैं। मैंने बोला आ रहा हूँ भाई, बड़े एक्टिव होकर काम कर रहे हैं। मैंने पूछा, बंदे बोल रहे कि ट्रेवर से ये वही माफिया जिसने हमारे बहुत सारे भाइयों को मारा था। मैं भी मतलब समझ गया भाई क्यों ऐसा काम कर रहे हैं आप, समझे। मैं आपको याद दिलाता हूँ, गैंगस्टर ऑफ डिसिप्लिन वो एक लौती गैंग है जिसने आर्मी के 90% बंदों को मारा था एंड पुलिस के, तो वो पुरानी दुश्मनी है इनकी आपस में। तो जैसे ही आर्मी को और पुलिस को पता लगा लॉस सैंटोस में गैंगस्टर ऑफ डिसिप्लिन के बंदे दोबारा आना शुरू हो चुके दिखाई दे रहे हैं, तो एकदम से उनको अपनी दुश्मनी याद आ गई और भाइयों को याद कर लिया उन्होंने कि हमारे भाई मरे थे इतने ज़्यादा, तो सारे काम छोड़ के सबसे पहले इनको पकड़ना शुरू कर दिया। क्योंकि भाई उस जंग में हम सब एक साथ थे, पुलिस, ट्रेवर की आर्मी, अपनी लॉस सैंटोस की आर्मी, डगन की आर्मी, मतलब सब बंदे एक साथ थे उस वाली जंग में। तो ये बंदे उस चीज़ को भूल नहीं सकते, इन बंदों को लॉस सैंटोस में आने नहीं देंगे आर्मी वगैरह, तो पक्का पता है। चलिए पहुँचता हूँ मैं भी, जरा थोड़े से मज़े लेता हूँ जाकर के इंटरोगेशन एरिया में। आर्मी ने मज़ा उठा दिया, बहुत बढ़िया काम किया भाई, बहुत बढ़िया। ट्रेवर निकलो ब्रो। पहुँच चुको आर्मी इंटरोगेशन एरिया में। ट्रेवर भैया आगे बढ़ो, जल्दी से काम करिए। दो चार बंदे पकड़े आर्मी ने गैंगस्टर ऑफ डिसिप्लिन की, उनकी सेवा करते हैं, बाकी पता लग जाएगा कितने पकड़े फाइनली। एक दो इन्फॉर्मेशन, मतलब एक दो बंदे की इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास थी, बाकी दो चार भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं पता लग जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, एक ही है यहाँ पर तो, सिंगल बंदा था। बंदे बोल रहे हैं ट्रेवर सर बाकी बंदों को मार चुके हैं। नहीं तो सही बात थी, वो दो तीन बंदे ही पकड़े थे इन्होंने, बाकी बंदों को इन्होंने मार डाला पूछताछ के चक्कर में, कुछ नहीं बताया एटीट्यूड में थे और बाकी को खत्म कर दिया। आर्मी ने पीछे दबा दिया, ये आखिरी बचा हुआ है मेरे लिए छोड़ के रखा कि ट्रेवर सर आप भी पूछ लीजिए, नहीं तो इसको भी खत्म करते हैं। बड़े ज्यादा गुस्से में नहीं होकर रखे ना आर्मी वाले भाई, सीधे साधे होएंगे। 90% आर्मी का मतलब समझ रहे हो, हजारों बंदे मर गए मिलिट्री के, बहुत नुकसान हुआ था मुझे ही पता है। हर तीसरे दिन आर्मी के ऊपर बॉम्ब गिरा करता था, पता नहीं क्या क्या हुआ करता था, बड़े परेशान थे बंदे। आज फिर से दुश्मन हाथ लगे तो इनकी भाई वो कहते ना पुराने जख्म ताज़ा हो गए। ब्रो बोल दे, नहीं तो फिर तू भी जाने वाला भाइयों के पास, बोल दे आर्मी वालों उड़ा डालो। ना ना ये नहीं बोलने वाला कुछ भी, जनरल ब्रो खत्म करो इसको नमूने को। कमाल का नमूना है, बोल रहा है ट्रेवर चिंता मत कर, बहुत जल्द वो होगा जो हमारा प्लान है। मैंने बोला तेरा प्लान जो था ना वो खत्म कर दूंगा, चिंता मत कर, ड्राइवर से बड़ा प्लान कोई बना नहीं सकता। ठीक है यार, कुछ नहीं बोला इसने, मार रहे दो इसको भी, टाइम वेस्ट कर दिया फ्री में। मैंने एक बात तो सीखी है, गैंगस्टर और डिसिप्लिन वाले बंदे बड़े जिद्दी होते हैं भाई, रॉज नहीं लीक करते बिल्कुल भी अपने बॉस के, और अपने चाहे कितना ही पीट लो उनको चाहे मार लो, इसके दो तीन भाई इसके सामने मार दिए और यही मरेगा बट तब भी मुँह नहीं खोल रहा। अमेजिंग टैलेंट है, ऐसा टैलेंट हमारे दोस्तों में आ जाए तो कितना बढ़िया होगा यार, हमारे दोस्त पिट करके मुँह खोल देते हैं। अमेजिंग, पहुंचता हूँ। दो चार बंदे और पकड़े हैं यार, पुलिस ने कमाल कर दिया। मैं कितने बंदों के पास जाऊंगा, ये तो मेरे को थका देंगे। बोल रहे ड्राइवर सर हमने एक दो बंदों को और पकड़ लिया, जल्दी आइए। मैंने बोला ठीक है पहुंचता हूँ, चलिए पहुंचता हूँ यार। सच्ची में आज तक पुलिस कुछ ज़्यादा एडवांस नहीं हो रही, शहर के कोने कोने से गैंगस्टर डिसिप्लिन के बंदों को ढूंढ ढूंढ करके निकाल रही है यार। वैसे बंदे भी काफी आ गए देख रहे हो, कोने कोने में हर जगह शहर में पहुंच गए, हर कोने में पहुंच चुका हूँ जगह पर। यहाँ पे किसी को मारना नहीं है, कुछ नहीं करना, पुलिस ने सिचुएशन पूरी कंट्रोल में कर लिया है। और लो ये न्यूज वालों को कैसे पता लग गया, अरे यार ये न्यूज वाले ना हर जगह पहुंच जाते हैं मुंह उठा करके, ये नहीं पता कहीं पे जान का खतरा हो सकता है, फिर मर जाओगे तो फिर बोलेंगे पुलिस ने हमारी सिक्योरिटी नहीं करी। अरे पुलिस को जब होश होगी भाई तो तुम्हें तभी तो प्रोटेक्ट करेंगे, सिक्योरिटी देंगे, हर जगह पुलिस अपने काम में बिजी होती है। यहाँ पर तो दो बंदे पकड़े हो भी लॉस्ट के, ये लॉस्ट वाले कब से गैंगस्टर डिसिप्लिन में चले गए। अबे पुलिस वाला दिमाग खराब हो गया भाई, एफआई वालों ये कहाँ से पकड़ लिया तुमने। बंदा बोल रहे हैं कि ट्रेवर सर इन्होंने ज्वाइन करके रखा गैंगस्टर डिसिप्लिन को, इनके फोन में एप्लीकेशन चेक करी, अगर एप्लीकेशन में सॉफ्टवेयर है भाई, एप्लीकेशन है मतलब कि फोन में, तो फिर तो सही बात है। वाह भाई वाह, टकलो बड़ा तमा है तुम लोगों में, चुपचाप बता दो नहीं तो बहुत बुरा मरोगे। बंदे बोल रहे हैं कि ट्रेवर कभी नहीं बताएंगे तेरे को, कभी नहीं बताएंगे, जो कर सकता है कर ले। मैंने बोला यहीं पे गोली मारो काम खत्म करो। तो चलिए फिलहाल एक काम करता हूँ, यहाँ वहाँ पे जाकर के मैं थकता नहीं हूँ बंदों को, मैंने जितना देखना था मैंने देख लिया। अब पुलिस वाले बोलेंगे तुम्हें कोई बंदा मिला तो भाई खुद ही देख करके मार लो, मेरे पे इतना टाइम नहीं यार कि मैं दो दो बंदों के लिए बार बार यहाँ पर आऊँ। बताओ दो के लिए यहाँ पे थकाया और एक के लिए वहाँ पे थकाया, और फोन करके बोलते दो चार बंदे पकड़ लिए। अबे दो या चार, दो बोलो या चार बोलो, बहुत फर्क हो जाता है भाई इस चीज़ में, कमाल करते। तो चलिए फिलहाल यहाँ से निकलता हूँ, इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं मिली, पॉइंट ये है मैनी वेदर वाले बंदों का फोन आया, मेन बेस पर ही निकलना है। बोल रहे ट्रेवर सर आ जाइए, कुछ डेटा पूछाया है मतलब मैडी भैया ने हमारे लिए। मैडी फिलहाल शहर में नहीं है, आपको बताइए उसका मैंने काम किया था, उसके लिए सोना में लेकर के आया था, तो कुछ सोना मैंने उसको दिया था, तो जब से उसको सोना मिला है वो शहर से बाहर है, कुछ रिसर्च कर रहा है सोने पर, गोल्ड पर। तो अब देखना ये है वो कुछ, उसने मतलब इन्फॉर्मेशन भेजी है अपने बंदों को और वो बंदों ने बुलाया मुझे, तो कुछ काम की चीज़ होगी। पहुँचता हूँ, चलिए बात करता हूँ, देखते हैं आखिर क्या हिसाब है।
चलो ट्रेवलर पहुंचो मैरी वेदर के बेस पर। पहुंच गया हूँ भाई मैं जगह पर अपने मैरी वेदर वाले भाइयों के बेस पर। मैडी होता तो सही बात हो जाती, बट कोई बात नहीं, बंदों से ही बात कर लेते हैं। कोई यहाँ पे बंदा है क्या चाचा जी, इससे बात करते हैं। ये आराम से खड़ा हुआ है, बात करता हूँ भाई। क्यों बुलाया, किस लिए मेरे को बुलाया है आप लोगों ने, क्या इन्फॉर्मेशन मिली है तुम्हारे बॉस की तरफ से? मैरी वेदर वाले भाई, क्या इन्फॉर्मेशन मिली है, कुछ पता लगा? बंदे से बात हो गई, बंदा बोल रहा है हाँ ड्राइवर सर आपके लिए मैसेज भेजा है बॉस ने, बोल रहा है कि खतरा टला नहीं है, किंग डेविड का खतरा भी ऐसा का ऐसा ही है, उनको किसी ने इन्फॉर्मेशन दी होगी तो उन्होंने आपको दी। और वो बोल रहे हैं कि बहुत सारे बंदे बोट से पहुंच भी गए लॉस सैंटोस में, एक जगह पर जाकर उनको ख़त्म करो नहीं तो पूरे शहर में फैल जाएंगे धीरे धीरे। चलिए भाई, वो बोल रहा है कि वो और इन्फॉर्मेशन पूछवाएगा बहुत अच्छे तरीके से, उस इन्फॉर्मेशन में ये भी पता चल जाएगा किंग डेविड मरा है जिंदा है, ये भी कन्फर्म हो जाएगा। चलिए देख लेंगे जैसा भी है, बट मेरे को तो पता है भाई 99% किंग डेविड मर चुका है। अब 1% अगर बच गया तो अलग बात है, बट बचा कैसे है तो पक्का नहीं बोलूंगा, क्योंकि यार वो बंदे को इतनी गोली मारी थी, जलाया भी था, बच कैसे गया नमूना। पहुंच चुका हूं मैं जगह पर ट्रेवरो। चलिए मेरे प्यारे प्यारे भाई पहुंच गए गैंगस्टर ऑफ डिसिप्लिन के बंदे, लगता है बस अभी अभी पहुंचे बोट के पास ही खड़े। किस चीज का इंतजार हो रहा है भाइयो, कैसे हो, क्या हाल चाल है? आज तो मेरी सारी 10,000 मिनीगन खराब हो गई भाई, सुबह से लेकर अभी तक मेरी सारी मिनीगन डैमेज, मतलब के गोलियां खत्म, डैमेज बता रहा हूँ, 10,000 गोली खर्च कर दी मैंने आज, इसका मतलब कितने बंदे मारे हैं। चलिए फाइनली सारे बंदे दी एंड हो चुके हैं। अरे अगर मेरे पास भाई वो होती ना, मतलब अपनी प्यारी प्यारी एलियन गन की एक गोली भी होती ना, तो ये प्यारी प्यारी बोट खत्म कर देता मैं यार, ये तो बिल्कुल ख़त्म ही है, इससे तो कुछ भी नहीं होता सच्ची में। ये जो लॉन्चर है ना, ये भाई बॉम वाला बुरा है, इसमें तो कुछ पावर ही नहीं है। गोला भैया बाहर आइए, ये लीजिए, आया मज़ा। चलिए 2-4 बोट है, इनका भी ख़त्म कर देता हूँ। एक सेकेंड भाई, पीछे देख रहे हो वही सेम लाइट हाउस है और सेम वही वाला वो घर है जहाँ पर एल्बर्ट रुका हुआ था, और इन बंदों की बोट सीधा यहीं पर आकर के रुकी है, ये कोई इत्तेफाक तो नहीं है, समझ रहे हो, ये कॉन्सिडेंस तो नहीं है भाई, ये एक बिल्कुल सही पॉइंट पर ये बंदे पहुँचे बोट को लेकर के। ये एल्बर्ट से मिलने के लिए तो नहीं आ रहे थे, ये एल्बर्ट का डेविड से कुछ लेना देना है क्या? एक तो ट्रेवर भाई सच्ची में बहुत लंबी पिक्चर है, अरे मेरे भाई यहाँ से नहीं चढ़ जा रहे तुम, बोल दे मुँह घुमा करके भाई दूसरी तरफ से ले करके चल, तो मैं यहाँ से तेरे को लेकर के चल दूंगा। यार ट्रेवर सच्ची में ऐसी हाइट्स पे बेकार है यार, बिल्कुल कामयाब नहीं है बिल्कुल सच्ची में। GTA वाले ने कुछ ज़्यादा ही स्मूथ बना दिया कैरेक्टर, कि मतलब ऊंचाई से बिल्कुल ही नहीं चढ़ पाएगा, और इतनी ऊंचाई लग भी नहीं रही मेरे को यार, आराम से चढ़ जाना चाहिए ऐसी जगह से। तो गाड़ी पास पहुंच चुका हूं मैं, बहुत टाइम मेरे को वेस्ट करा दिया ड्राइवर भैया ने, उछल उछल के इसने बहुत टाइम वेस्ट किया। चलिए ड्राइवर भाई जी ये रहा घर, फिलहाल भाई घर का मैंने पूरा एरिया साफ करवा दिया था, जितने बंदे हमने सुबह यहाँ पर मारे थे और एल्बर्ट वगैरह सब साफ हो गए थे, तो फिलहाल कोई है क्या? बस मैं ये देख रहा हूँ दोबारा से कोई यहाँ पर आया क्या, नहीं भाई घर तो पूरा खाली पड़ा है। तो फिर बंदों ने आखिर बोट यहाँ पर ला क्यों रोकी, मेरे को ना एकदम से नहीं मारना चाहिए था, मेरे को इंतजार करना चाहिए था, बंदे कहाँ पर जा रहे हैं। चलिए मारते तो मार दिया, पता लग जाएगा बाकी कुछ डेविड का और एल्बर्ट कुछ लेने देना है नहीं है, वो हम पता लगा लेंगे। किंग काला का वो नमूना फिर से मेरे घर पर आया है, अब पता नहीं क्यों आया है, वो तो जा करके मेरे को पता करना पड़ेगा। वही बंदा जो सुबह मेरे को बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि ट्रेवर अब ये करो अब वो करो एंड वगैरह, तो वही घर पर आया मिलने के लिए। पहुँचता हूँ देखते क्या बोलने वाला है। पहुँच चुका हूँ मैं घर पर, बंदा सामने ही खड़ा है, काफ़ी सारी बातें शेयर करता हूँ, हर एक चीज़ पता करता हूँ। हेलो प्यारे भैया जी, कैसे हो, कैसे आना हुआ, क्या दिक्कत है? इसके सामने ड्रामा करता हूँ क्योंकि मुझे ही पता है मैंने एल्बर्ट को उसको किडनैप कर लिया, मैनेजर को नकली को, इसको थोड़ी पता है। बंदे ने मेरे को सेम बात बोली, और आज शहर में एल्बर्ट सर आने वाले थे बट किसी वजह से वो नहीं आ पाए, तो उनके मैनेजर आए थे और किसी ने उनको एल्बर्ट जी समझ कर किडनैप कर लिया, हमें ऐसा लगता है, हेल्प करो ट्रेवर उनको ढूंढने में, तुम काफ़ी अच्छी चीज़ों को ढूंढ निकालते हो, ढूंढो मैनेजर कहाँ पर है, क्योंकि वो बताएंगे सारी चीज़ें कि आखिर किसने किडनैप किया। मैंने बोला भाई क्या बताऊँ, बहुत बुरा ही काम चल रहे हैं, बहुत बुरे काम चल रहे हैं। मैंने बोला बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, मेरे को सुन के बहुत दुख है, पर आप चिंता मत कीजिए मैं करता हूँ सारे काम। चलिए फिलहाल अब उसकी सेवा करने का वक्त आ चुका है, दोबारा हैंगर में निकलता हूँ और उसकी सेवा करता हूँ, पूछता हूँ जाकर के कि मेरे प्यारे प्यारे एल्बर्ट भैया, मतलब एल्बर्ट के सस्ते मैनेजर, अगर तूने मेरे को नहीं बताया कुछ काम की डिटेल तो मेरे को ख़त्म कर दूंगा। यूज़ लेते हैं उसको क्योंकि वो मैनेजर रहा है एल्बर्ट का, तो कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मेरे को दे सकता है जिससे प्राउड माफिया का बॉस बनने में आसानी हो। पहुंच चुका हूं अपने प्यारे एल्बर्ट भैया के पास में, ट्रेवलर गाड़ी पार्क कीजिए, एल्बर्ट चाचा, एल्बर्ट चाचा। वैसे इसे एल्बर्ट क्यों बोल रहा हूं मैं, इसका नाम क्या है वो मैं पता कर लेता हूं। हेलो भैया जी, स्माइल, ये लीजिए एक डंडा। अरे रे रे, तेरे को मास्क मैंने दोबारा पहना के गलती करी, मैं ही पहना के था, क्योंकि मास्क रहेगा अच्छा रहेगा, नहीं तो बहुत उल्टा सीधा बोल रहा था, परेशान कर रहा था और इसको देख देख के मैं गुस्सा आ रहा था, मैं इसको मार देता इसलिए मैंने मास्क लगा दिया इसके मुंह पर। ये ले बेटे, आया मजा, अब फटाफट से बोल, नहीं तो सेवा और मिलेगी। तेरे बॉस की कुछ खास चीज़ें, अच्छा एक बात इसको चलो बता देता हूँ, वो बॉल के बारे में, तेरे को पता है वो बॉल जो तुम यहाँ वहाँ पे छुपा के लेकर के आते लाते, मतलब जाते हो उसको लेके और लाते हो, वो बॉल मेरे पास है, वो क्या करती क्या है?
मेरे को बता देगा तो छोड़ दूंगा, नहीं तो बुरा होगा। बंदा बोल रहा है कि ट्रेवर चिंता मत कर, बहुत जल्द वो होगा जो तू कभी नहीं सोच पाएगा। एटीट्यूड भाई एटीट्यूड, इनको पता नहीं है ऐसा एटीट्यूड ट्रेवर सुबह शाम चाय में घोल के पीता है। खत्म, आएंगे नहीं यार ये बंदे, नहीं मानेंगे ये नंदे, नहीं मानेंगे। ले बेटे, अरे यार ये चेयर इतनी मजबूत है, कुछ भी नहीं हुआ, बच गया बेटे जा, नहीं तो सीधा कर देता, निकलता हूँ यहाँ से। फिलहाल मैं हैंगर से बाहर आ गया, हैंगर में बाहर आते ही मेरे को खबर मिली एक प्यारी सी बहन की जो मेरे को फॉलो कर रही है बहुत बुरी तरीके से, और ये स्टाइल पता किसका था बच्ची में भाई। अब तो कन्फर्मेशन मिल चुकी है, बस अब ये और कन्फर्म करना है कि डेविड भी जिंदा तो नहीं है। नहीं तो रही बात गैंगस्टर डिसिप्लिन की, अब की बार उनको ख़त्म करके उनका बॉस बन ही जाऊँगा, क्योंकि गैंग को तो मैंने मारा ही नहीं था, मेरे को पता ही है। फिलहाल पता मैं किसकी बात कर रहा हूँ, देखो पीछे बहन आ रही है ना, ये मिसाइल वगैरह छोड़ना छुड़वाना ये सब डेविड का कमाल था। अरे आराम से मेरी गाड़ी पानी में चली जाएगी, बस शांति महाराज बच गई। तो ये काम करता है डेविड, डेविड भैया ने मेरा काम कर दिया था पूरा का पूरा, बच गया तो मैं निकल गया टाइम पर। तो पॉइंट ये भाई चले जल्दी है, सारी चीज़ें पता करने का वक्त आ चुका है। अगर गैंग अकेली है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर डेविड भी है तो फिर बढ़ेगी प्रॉब्लम, क्योंकि भाई वो इतनी मुश्किल से मैंने मारा था और तब नहीं मारा था तो फिर मरेगा ही नहीं, क्योंकि इतनी गोली खाकर जो इंसान नहीं मरा वो मर ही नहीं सकता, पॉइंट ही नहीं है फिर उसको मारने का। तो बस मेरे भाई फिलहाल इस वीडियो के सिर्फ नहीं, आप लोग ये वीडियो कैसे लगे, अगर आप चैनल पर नहीं तो मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके फैमिली का मेंबर बन जाइए। अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड पर फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।